हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक तक। भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो व्हाट्सएप पे बहुत ही कन्वीनियंट रही है। अभी तक आप किसी को अपना मैसेज भेजें व्हाट्सएप पे, जैसे ही वो आपका मैसेज पढ़ ले आपको मालूम चल जाता है, क्योंकि जो सेंट मैसेज के टिक्स होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं और उसका मतलब होता है कि आपका मैसेज पढ़ लिया गया। अब अगर आप किसी का मैसेज पढ़ना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उसको मालूम चले कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है, तो इसके लिए भी एक छोटा सा तोड़ है। अब ये करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो बड़ा सिंपल तरीका है, उसमें आप जाइए अपने WhatsApp अकाउंट के सेटिंग्स में, उसमें आप जाइए अकाउंट पे और प्राइवेसी के सेटिंग्स में जाके रीड रिसीट्स को ऑफ कर दीजिए। उससे अगर आप किसी का मैसेज पढ़ेंगे तो उसको नहीं पता लगेगा कि आपने वो मैसेज पढ़ लिया है। बट इसके साथ ही साथ अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि अगले ने मैसेज पढ़ा है कि नहीं। अब आते हैं इसके दूसरे तोड़ पे। मान लीजिए किसी ने आपको मैसेज भेजा है और आप नहीं चाहते कि अगले को पता लगे आपने वो मैसेज पढ़ लिया है, तो WhatsApp को खोलने से भी पहले आप अपने फोन के सेटिंग्स में जाइए और एयरप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए। अब जाइए WhatsApp पे। WhatsApp पे जाके जिसका भी मैसेज है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको खोलिए और पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। अब WhatsApp को बंद कर दीजिए और वापस अपने फोन की सेटिंग्स में जाके एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दीजिए। अब आपने मैसेज पढ़ भी लिया है और अगले को नहीं पता लगेगा कि आपने मैसेज पढ़ लिया। इसमें जब आप WhatsApp को ऑन करेंगे इसके बाद, मतलब जब भी आप WhatsApp पे आप ऑनलाइन जाएंगे, तब आपके सेंडर का जो WhatsApp है वो दिखाएगा कि आपने मैसेज पढ़ लिया है। तो आप ऑनलाइन तभी जाइए जब आप चाहते हैं कि अगला जान ले कि आपने मैसेज पढ़ लिया है, उस दौरान अगले को नहीं पता लगेगा कि आपने मैसेज पढ़ा है। भाई टेक की दुनिया में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तोड़ होते हैं और जुगाड़ होते हैं, और हम लोग हर हफ्ते आपके साथ कोई नई चीज़ शेयर करते हैं जिससे आपको शायद सहूलियत हो सकती है एंड यू कैन डेफिनेटली मेक योर लाइफ मोर कन्वीनियंट। तो जानते रहिए और देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए टेक तक।